सो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एपीएस गेम में। तो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कोशिश करेंगे बस, हम अगर हम मर भी जाएंगे तो कुछ नहीं होता। हम कोशिश करेंगे कि रैंक में हम बुए कमाएं। मैं कोशिश करूंगा कि टॉप 5 के अंदर तो आ ही जाऊं और यही मेरी कोशिश रहेगी। आप जैसे देख सकते हैं लॉरा मेरी पूरी मैक्स है, मेरे सब उसके अचीव भी मैक्स हैं और मैंने उसके तीनों स्लॉट भी खोल लिए हैं। तो चलिए रैंक में सोलो करते हैं और देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए इस वीडियो को। तो दोस्तों अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा बस मैच शुरू ही होने वाला है। 5, 4, 3, 2, अच्छा यहाँ पे थोड़ा हैंग हो गया था 1 और यहाँ पे 0 हो गया। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा मैच शुरू होता है और ये देखिए हम यहाँ पे शुरू हो गए और मैं यहाँ पे मार्क करूँगा सबसे दूर वाली जगह पे। तो चलिए मार्क किया जाए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है रिम नाम विलेज पे ही मैं मार्क करता हूँ, क्योंकि रैंक गेम में हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, जितना ज़्यादा सर्वाइवल टाइम रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा और जितना दूर आप रहेंगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। तो रिम नाम विलेज तो मेरा वैसे भी फेवरेट रहता ही है, क्योंकि इसमें बिना ब्लू जोन के भी अच्छी खासी लूट मिल जाती है और वैसे तो लूट मिलती ही है। अब तो ब्लू जोन है तो 3-4 लोग तो उतरेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहली बार में ही ना मरूं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैं एकदम सबसे नज़दीक पहुँचेंगे तब मैं कूदूंगा। मेरे ख्याल से ये एकदम सही टाइम है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने एक नया सब वर्ड भी ले लिया है, उन लाल अंडों को खरीद खरीद कर। मतलब कि आपको क्या करना है, वो उन शिप का पीछा करना है, वो एक बार में 20 अंडे गिरा देती है। तो आप हर बार अगर 10 लेंगे तो काम हो सकता है आपका आराम से, 20 या 10 के आसपास देती है। अगर आप 2 या स्क्वायर कर रहे हैं तो इतनी पर मतलब कि उतनी बहुत ज़्यादा अमाउंट है कि सारे स्क्वायर वालों को भी अच्छे से मिल जाएगी। और अगर आप सोलो कर रहे हैं तो आप सिर्फ 10 ही ले सकते हैं, 20 नहीं ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर लैंड हो रहे हैं और देखते हैं कि हम मैं ऐसे देख लेता हूँ कि कोई यहाँ पे और ना लैंड हो जाए। मैं जल्दी से यहाँ पे मैं अपना बैकपैक और यहाँ पे P90 पड़ी है उसको जल्दी से उठा लेता हूँ। तो ठीक है, मैंने ओ यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एक और आदमी लैंड हो गया है, तो मैं उसको ठोकने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर मुझे कोई अच्छी सी गन मिल जाए तो मैं इसको अच्छे से मारूँगा, लेकिन अभी मैं इसको P90 से ही मारूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं कोशिश करूँगा कि ये मर जाए। ये मैं इसमें मार तो रहा हूँ, ये मुझे भी गोलियाँ मार रहा है, लेकिन मैंने इसका काम तमाम कर दिया। मैं कोई ज़्यादा भी प्रो जैसा नहीं मारता हूँ, इसलिए देख सकते हैं आप दोस्तों कि मेरी लाइफ भी बहुत कम हो गई। अब मैं उस आदमी को ढूंढने जा रहा हूँ जो एकदम लास्ट में लैंड हुआ था और उसको मैं उसका मैं खात्मा करूँगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे पहुँचते हैं, मेरी यहाँ पे लूट आ गई। पहले यहाँ से सब कुछ लूटते हुए वहाँ पर चलेंगे। चलिए दोस्तों वहाँ पर चलते हैं और उसको ठोकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों वो इसी घर में था, तो हम इसकी के पास जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या होगा यहाँ पे। तो ठीक है, मुझे तो लगा जैसे रिलोड की आवाज़ आई दोस्तों, शायद यहाँ पे देख सकते हैं मुझे रिलोड की आवाज़ें आ रही हैं, तो यहीं कहीं मिलना चाहिए मुझे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे वो यहीं कहीं मिल जाए। ओ दोस्तों, जैसा कि आपने शायद अभी सुना नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो नीचे कूद गया हो, तो मैं भी नीचे ही चलता हूँ जल्दी से। यहाँ से यहाँ पर इधर से कूद जाता हूँ मैं, इधर से मैं कूद रहा हूँ और लगता है उसने अपना रीसप्लाई मैप यहाँ से ही लिया होगा। रीसप्लाई मैप उसने यहाँ लिया तभी वो कोने में आया। और अब मैं उसको ढूंढूंगा यहाँ से और उसको मारूंगा मेरे ख्याल से। वो देखिए वो भाग रहा दोस्तों, लेकिन यहाँ से अच्छा निशाना बनेगा नहीं, वो जिंदा रह जाएगा। तो मैं उसको एकदम पास से मारने की कोशिश करूँगा। चलिए उसके पास चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वो आदमी कहीं भाग गया है, तो मैं भी यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि सेफ जोन श्रिंक कभी भी हो सकता है। लेकिन आप वो देखिए, वो निकला। मैं यहाँ पे अपनी पकड़ जमाता हूँ, उसने मुझे देख लिया है। मेरे पास थर्मल स्कोप है, उसके हेड में ही मारने की कोशिश करूँ। दोस्तों वो निकला है, मैं तो मन को लेकर, लेकिन मैं एक बड़े निशान नहीं हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके हेड में मारूँ। लेकिन उसने मुझे देख लिया, लेकिन वो मुझे कुछ कर नहीं पा रहा उसका काम तमाम।
उसको मैं क्या बेवकूफ़ था, कुछ आता ही नहीं था लगता उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसका काम तमाम कर दिया है, मैं उसके पास लूटने जा रहा हूँ। मेरे बाउंटी से मुझे कुछ मिलना चाहिए अच्छा, और मुझे मैं उम्मीद ही करता हूँ कुछ अच्छा ही मिले उससे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे ये देखिए, ये बाउंटी नहीं मिली मुझे, बाउंटी नहीं मिली दोस्तों, तो मुझे नहीं मिली दोस्तों। अब देख लीजिए, अब आप देख सकते हैं कि अब मुझे यहाँ से चलना होगा, सेफ जोन श्रिंक होने वाला है, तो मैं जल्दी से यहाँ से भागता हूँ फिर। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे भाग आया हूँ और देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो दोस्तों, मैं जो यहाँ पे एक कार मिल गई है, मुझे यहाँ पे एक आर्मर बढ़ाने वाला डिवाइस, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मिल गया है। लेकिन मेरे पास एक प्लान है, प्लान सिंपल है कि मैं अपना आर्मर बढ़ाऊँगा और फिर इस गाड़ी में बैठूँगा, और फिर वो जो है ऊपर मेरे बलून, वो जहाँ पर भी अपना क्रेट गिराएगा मैं वहाँ पर जाऊँगा और उससे लूटूँगा नहीं, उसके पास खड़ा रहूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसा वक्त है जहाँ पर ये लोग इनके पास आएंगे ताकि इनको मिल सके वो रेड अंडा। ठीक है दोस्तों, अब मैं उधर ही जा रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से वहाँ पे कहीं दूर है, मैंने मार्क कर लिया है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों वहीं पे मिलते हैं आपको, और उस आदमी को हम ठोकेंगे जो भी अगर वहाँ पे मिलेगा तो। तो दोस्तों, हम लगभग वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको अपनी शानदार ट्रिक दिखाऊंगा कि मैं एक एस्फाल्ट प्लेयर भी हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा टकराते हुए निकल गया। डॉक्टर ड्राइविंग सीखी होती तो अभी तक ये हाल नहीं होता। तो चलिए, अब मैं वहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे, ओ दोस्तों वहाँ पे एक दुश्मन शायद उसने मुझे देख लिया होगा। मैं जल्दी से पेड़ के पीछे कवर लेता हूँ, ठीक है, मैं दोस्तों इस पेड़ के पीछे आ गया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि वो कहाँ छुप के बैठा है, मैं बस उस क्रेट का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आए और मैं उसको कब ठोकूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ, वो जल्दी से निकले, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि वो ख़तरनाक प्लेयर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर तैयार हूँ उसके लिए, मैं तैयार हूँ एकदम, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो बस क्रेट गिराने वाला ही है, वो आदमी मेरे जहाँ से मैं काश पड़ जाए, क्योंकि मैं थर्मल से बहुत अच्छे हेडशॉट मारता हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं उसको ठोक दूँ, बस वो क्रेट गिराने ही वाला है। ठीक है, क्रेट गिराएगा, गिरा, ओ उसने क्रेट गिरा दी, मुझे आवाज़ आई है, लेकिन दोस्तों मुझे ये नहीं आ रहा समझ में उसने क्रेट कहाँ गिराई। अच्छा, क्रेट उसने वहाँ पर गिराई है। ठीक है दोस्तों, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ उस आदमी का, लेकिन वो आदमी निकल नहीं रहा, मैं डेंजर में भी खड़ा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है, मेरा तो घाटा लगेगा, लगता है यहीं पे मेरा अंत हो जाएगा। वो आदमी निकल ही नहीं रहा, सेफ जोन भी श्रिंक हो रहा है लगता है, और जब श्रिंक होगा तभी वो निकलेगा। क्या करूँ, ये निकलेगा कभी, आदमी कहीं भाग तो नहीं गया मेरा यहाँ पर पपट हो जाए। दोस्तों वो निकल नहीं रहा, सेफ जोन आ रहा है, मुझे अपनी गाड़ी से भी जल्दी भागना पड़ेगा। ओ देख सकते हैं दोस्तों, वो निकला है। मैं उसको थोड़ा रुकने का टाइम दूंगा, मैं आराम से, दोस्तों मैंने गोली चला दी है, मैंने उसके हेडशॉट देखी है, हेडशॉट, तीनों गोलियां हेडशॉट मारी, और मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। मैं उसका सामान नहीं लूटूंगा क्योंकि मेरा काम तमाम होने वाला है, मैं इसके बीच से निकल रहा हूँ। दोस्तों मेरी हालत ख़राब हो रही है। ठीक है दोस्तों, मैं बच गया यहाँ पर, मेरे यहाँ पर 3 किल हो गए, 6 लोग अलाइव हैं। मैं वापस धूम की तरह इसके अंदर से घुसूँगा और मैं जा रहा हूँ सेफ जोन के अंदर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे सब ठीक ही रहे, क्योंकि जल्दी जल्दी मेरा हो जाए ये ख़त्म, ये लोग जल्दी मर जाएं, काश ये लोग ऐसा ही हों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, हम इंतज़ार करेंगे उन लोगों का जो मुझे ठोकने आएंगे, फिर हम उनको ठोकने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों, समय के साथ मुझे आदमी नहीं मिल रहे हैं और समय के साथ सेफ जोन भी कम हो रहा है, और मैं जा रहा हूँ सेफ जोन के अंदर। और जैसे कि आप देख सकते हैं, समय के साथ अलाइव लोग भी कम बच रहे हैं, तो यहाँ पे से बचे हैं 4 लोग अलाइव, मतलब कि 3 लोग अलाइव में मुझे तो मिला के 4 लोग हो रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, पीक के अंदर है तो मैं उस पीक के बड़े वाले घर में ही रुकूंगा, और वहां से मैं ठोकूंगा और वहीं पे इंतज़ार करूंगा मैं उन लोगों का जो लोग भी आएंगे। और अब देखते हैं, मुझे लगता नहीं कि मैं इसके आगे टिक पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं टॉप 5th में तो आ ही चुका हूँ, टॉप 3rd में आने की पक्का कोशिश करूँगा दोस्तों, पक्का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ से बहुत देर से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ और अभी तक कोई आदमी नहीं आया है, तो मैं अपनी पुरानी लोकेशन में वापस चले जाता हूँ। ठीक है, तो मैं वापस जा रहा हूँ अपनी पुरानी लोकेशन में, और मैं यहाँ पे आदमी ढूंढता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से यहाँ पे इधर पे देख लेता हूँ इधर से। दोस्तों, शायद आपको सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं सुनाई दिया होगा, यहाँ पे आदमियों के चलने की आवाज़ है, जैसे कि कोई ऊपर आ रहा हूँ। मैं अपनी P90 निकाल देता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते, मैंने उसकी पूरी पैरों में गोली मार ली, बच ही गया मैं दोस्तों, बिल्कुल बच ही गया लास्ट मोमेंट। चलिए इसे लाइव भर लेता हूँ, लाइव भर लेता हूँ दोस्तों, जल्दी लाइव भर लेता हूँ। चलिए, मैं टॉप 3rd में तो आ ही चुका हूँ दोस्तों, अब मैं देखता हूँ क्या होता है। 2 बार लाइव भरता हूँ जल्दी से, अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं नीचे वाले मैदानों में कुछ अच्छा ही प्रदर्शन करूँ दोस्तों। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों, डरना क्या, मरेंगे तो मरेंगे, टॉप 3rd में आएंगे तो अच्छा ही होगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ से कोई मुझे दिखने आ नहीं रहा, तो मैं कहाँ पर देखूँ दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हम क्या कर पाएंगे दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि हम बचाएंगे दोस्तों। ठीक है, मैं अपने बिल्ली को, मतलब कि अपनी बिल्ली को गायब कर देता हूँ, ताकि वो कोई और उसकी मेरी बिल्ली को देख के वो चौकन्ना ना हो जाए कोई दूसरा। मैं दोस्तों इस घर के अंदर ही तब से घूमा जा रहा हूँ, मैं थोड़ा आगे, वो देखे दोस्तों मुझे एक अपना आदमी दिखा, मैं उस पर गोली चलाने की कोशिश करूँगा अगर वो मेरे रेंज में आएगा तो। ये देखे दोस्तों, मैं उस पर गोलियाँ चलाने की कोशिश करूँगा, पर वो छुप रहा है, मैं उसको हेडशॉट देने की कोशिश करूँगा दोस्तों, हेडशॉट, लेकिन उसकी छाती में लग गई दोस्तों, बहुत कम डैमेज हुआ दोस्तों। वो दोस्तों भागने वाला है दोस्तों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं दोस्तों, लेकिन दोस्तों वो शायद भागने वाला है, शायद वो अभी भाग चुका है दोस्तों, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा वापस दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं बाहर निकल रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही रहे, और मैं आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। ओ, शायद मैंने किसी का सर देखा क्या वहाँ पे, सर देखा नहीं, नहीं नहीं वो तो शायद घर ही था। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और अब मैं ये नीचे जाके देखता हूँ, तहकीकात करता हूँ क्या होता है। ओ नो, मुझे गोली पड़ गई, गोली पड़ गई। ओ नो, मैं ग्लू वॉल लगा नहीं पा रहा, पर मैं ग्लू वॉल मारे, देखिए दोस्तों ये आ गया है, मैं इसको जूम करके आ रहा, मेरे हाथ कप रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये मर रहा है। ओ, मुझसे गलती हो गई, मैंने लगातार ट्रिगर दबा दिया दोस्तों, मेरी मौत हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, लेकिन मैं पहले ये देखना चाहता हूँ कि इसकी मैं मौत चाहता हूँ, देखते हैं इसको मौत मिलेगी दोस्तों, काश इसको मौत मिले तो यहाँ पे ये मर गए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो में कमेंट करना भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।